नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू इंडियन सोल्जर वन। मेरा नाम है वासव। और गाइस, आज हम करने वाले हैं एक ऐसे कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग जिसकी कीज जो है वो बैकलिट है, उसके अंदर से आती हैं तरह तरह की लाइट्स। तो दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये है वो कीबोर्ड, रेड्रैगन काला कीबोर्ड। गाइस, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही, मैंने मतलब ऑनलाइन R&D करा, जितना मेरा बजट था उसके हिसाब से मैंने ये प्रोडक्ट लिया। और मुझे लगता है कि ये अपनी क्लास में और अपने बजट रेंज में सबसे बेहतर कीबोर्ड है अभी तक का। रीज़न मैं आपको बताता हूँ आगे, और जस्ट मैं आपको बॉक्स दिखा दूँ। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैं आपको पहले बता दूँ कि अनबॉक्सिंग में पहले कर चुका हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं खास, बट फिर भी आपको दिखाते हैं इनबॉक्स कॉन्टेंट्स। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, तो जस्ट मैं आपको दिखा दूँ कि कीबोर्ड बॉक्स के अंदर क्या था। तो बेसिकली ये उसके साइड में लगे हुए थे फोम्स, और एक है डिस्क, ट्रैवल डिस्क, और ये है मैनुअल, और इसके साथ मिलता है हमें एक की इजेक्टर टूल। तो ये है बेसिकली की इजेक्टर टूल्स, जिससे आप कीज़ जो है वो रिप्लेस कर सकते हो इस कीबोर्ड की। इसकी कीज़ जो है रिप्लेसेबल है, और थोड़ी सी इसके साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी की हमें मिलती है की कैप्स। तो मैं ये आपको दिखा दूँ, ये देखिए, और ये है बाकी कीज़ की जो इसकी कीज़ निकालने और लगाने का तरीका यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। और अंदर मैं आपको बता दूँ क्या क्या है इस बॉक्स के। तो ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे आपको मिलती हैं तरह तरह की कीज़। काला बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, कीज़ की टेक्नोलॉजी है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर चेरी स्विचेज़ हैं और 2-3 और तरह के स्विचेस हैं। अब मेरे को इतने डिटेल में इनके बारे में पता नहीं है, खैर। तो यस, डेफिनेटली इसके अंदर आप सुन सकते हैं जो कीज़ की टेक्नोलॉजी है उसका। जैसे कि ये की है, तो ये रिप्लेसेबल कीज़ है एक्स्ट्रा, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। और ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी में बेस्ड है, तो आपको जो स्विचेस कीबोर्ड पे मिलते हैं वो काला स्विचेस हैं, और बेसिकली वो एक टेक्नोलॉजी है। और ये देखिए, ये है चेरी, ये है काला, और ये अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। और इतनी इसके बारे में मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ सीधा कीबोर्ड के फीचर्स। ओके, तो आपको दिखाते हैं इस एंगल से कीबोर्ड, आपको अच्छे से आप देख सकेंगे इसकी जो कीज़ हैं वो बैकलाइट किस तरह से काम करती हैं। तो गाइस, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है 6 मोड, 1 2 3 4 5 6, और ये है हमारी फंक्शन की। तो ये जो मोड्स हैं ये प्री इंस्टॉल्ड हैं कीबोर्ड पे। हालांकि इसके ड्राइवर्स भी हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। और अगर आप फंक्शन की को दबाएं, जैसा कि आपने देखा कि ऑलरेडी एक मोड सेट है। तो अगर मैं फर्स्ट मोड सेलेक्ट करूं, तो आप देख सकते हैं ये है कलर मोड। बेसिकली सारी जो कीज़ हैं आप देख सकते हैं कलर सब पे आ गया है, और डिफरेंट पैटर्न्स में वो चेंज होता रहेगा कुछ सेकंड्स बाद। सेकंड मोड अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, तो इसमें जो भी की मैं दबाऊँगा उस की से कलर जो है फ्लो करेंगे पूरे कीबोर्ड में। इसको हम डिफरेंट कलर्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं डिफरेंट कलर सेट, बहुत ही अमेजिंग है गाइज़। और अभी तो खैर मैंने लाइट जला रखी है, मैं एक बार लाइट भी बंद कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है अंधेरे में ये कीबोर्ड। वेल गाइज़, मेरे कैमरे के जो फ्रेम रेट्स हैं वो काफ़ी ड्रॉप हो गए हैं, तो उसकी वजह से शायद आप ढंग से देख ना पाएँ। तो ये है बेसिकली मोड डिफरेंट लाइट्स का, और ये है आपका डिफरेंट तरह के पैटर्नस बनेंगे। ये है रेन पैटर्न, आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और इसके बाद अगर आप देखें, तो ये है डिफरेंट कलर रेनबोज, और मतलब बहुत सारे अमेजिंग, मतलब मैं तो कहूँगा कि यार दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग कीबोर्ड। अगर मैं कहूँगा, अगर कोई रेकमेंड करूँगा कीबोर्ड लेने के लिए, तो वो यही है, अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड्स पसंद हैं। और इसकी एक बारी मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, और चेंज कर देते हैं ये वाले मोड में। तो मैं इसकी आपको जो कीज़ की जो आवाज़ है वो आप सुन सकते हैं। आप अमेजिंग। ओके गाइस, तो ये है इसका फर्मवेयर इस कीबोर्ड का। और जो इसके साथ सीडी आती है गाइस, उसके अंदर जो सेटअप था वो तो मेरे से इंस्टॉल हुआ नहीं, उसमें एरर आ रहा था। बट मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड करा है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसमें मिलती हैं आपको 3 प्रोफाइल, और आप यहाँ पे अपनी कस्टमाइज कीज़ को लिटअप करने का चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। अगर आप चाहें, जैसे WASD आप अगर गेमिंग में यूज़ करते हैं और सिर्फ वही कीज़ चलें तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अलग अलग जो है यहाँ पे मोड्स अवेलेबल हैं, और जो जो चीज़ें आप चेंज करते रहेंगे वो आपके कीबोर्ड पे भी इफ़ेक्ट करेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सॉरी अगेन गाइस फ्रेम रेट्स ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि लाइटिंग मैंने बिल्कुल ही बंद कर रखी है, कोई लाइट नहीं जल रही है इस समय रूम में। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ये इफ़ेक्ट तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैं कोई भी की दबाऊँगा तो एक बार ही बस लिट होगी और उसके बाद वो बंद हो जाएगी। और तो ऐसे करके आप बहुत सारे ऑप्शंस जो है आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये था सॉफ्टवेयर गाइस, कस्टमाइजेबल है पूरे तरह से कीबोर्ड, और जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से तो गाइस मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड है। मैं आपको मेन बात बता दूंगा गाइस, मेरे को ये कीबोर्ड मिला ऑनलाइन, मैंने बहुत R&D करी। मैंने जो बजट था मेरा वो था बिलो 4000, और मैंने बहुत सारे कीबोर्ड कोर्सेयर और मतलब बहुत अच्छे ब्रांड लॉजिटेक वगैरह के कीबोर्ड्स मैंने बहुत सर्च करे, और कूलर मास्टर के भी 2-3 कीबोर्ड्स मिले जो कि बैकलेट थे। और गाइस सबका प्राइस ब्रैकेट जो था वो 8 से 9 हज़ार के बीच में था, और कीबोर्ड्स तो मैंने देखे थे 15-15 हज़ार के भी थे यार, तो मेरा उतना बजट नहीं था। लेकिन फिर मैंने देखा रेड्रैगन का, हालांकि ब्रांड इतना मैंने सुना नहीं हुआ था कभी, बट जब मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और ऑनलाइन जो बाकी जो फॉरम्स हैं वहाँ पे मैंने रिव्यूज़ पढ़े, और सबके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। और मैं इस कीबोर्ड के बारे में एक और चीज़ मेंशन कर दूंगा गाइस, इसका जो बेस है, जो इस कीबोर्ड का बेस है वो सारा मेटल का बना हुआ है, तो बहुत ही स्टर्डी कीबोर्ड है, बिल्कुल भी बेंट वगैरह कुछ नहीं होता है। बिल्ड क्वालिटी और हैवी बहुत है, मेटल का बना हुआ तो हैवी ऑब्वियसली होगा। और 15 मिलियन या 10 मिलियन इसके की स्ट्रोक्स की वो है, मतलब क्वालिटी जो कहते हैं कि उसके उससे पहले ख़राब नहीं होंगे, तो 10 मिलियन टू 15 मिलियन बहुत होते हैं गाइस। तो बेसिकली आराम से अगर आप चाहे एक डिसेंट यूज़र चाहे तो इसको, यार ये कीबोर्ड मेरे ख्याल से 10 साल से पहले तो ख़राब भी नहीं होने वाला, 10 से 12 साल आराम से चलेगा अगर आप चलाने वाले हो तो। और सबसे अच्छी खासियत इस कीबोर्ड की जो है इस प्राइस ब्रैकेट में जो आपको मिलता है वो है स्पिल प्रूफ डिज़ाइन। तो अगर मैं इसके ऊपर कोई कॉफ़ी, चाय या पानी गिर दूँ गलती से तो ये कीबोर्ड ख़राब नहीं होगा। और इसकी कीज़ भी इजीली रिप्लेसेबल है, आप इनकी वेबसाइट से या फिर अमेज़ॉन से ले सकते हैं इसकी एक्स्ट्रा कीज़। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं कीबोर्ड। और मैं तो रेकमेंड करूँगा अगर आप गेमिंग फ़ैन है और आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए वो भी बैकलिट, इस प्राइस ब्रैकेट में ये ही सबसे बेहतर कीबोर्ड है। और इसी के आसपास तो गाइस आपको मिलेगा TVS का जो कीबोर्ड आता है, वो भी मेरे ख्याल से 2500 या 2300 तक का आता है, और ये आता है 3700 रुपये का। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा, और TVS के कंपैरिजन में तो मैं तो कहूँगा इसे ही चूज़ कीजिए आप। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू रेड्रैगन काला कीबोर्ड के बारे में, और इसका मॉडल नंबर है K557। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे गाइस। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि क्या आप गेमिंग कीबोर्ड और वो भी मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा कोई कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।